असल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 183 टारगेट था और 171 सिर्फ डांस उन्होंने किए हैं और बीच में गलतियाँ बहुत सारी उन्होंने की हैं और जिसकी वजह से मैच आ रही है। लेकिन पेशावरजलमी ने बॉलिंग में डोमिनेट किया है। आई फील के पेशावरजलमी ने जिस तरह स्टार्ट लिया था और बाबर आजम ने, उसके बाद सैम अयूब ने और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने, आई फील के एक ज़बरदस्त इनिंग थी इन तीनों की तरफ से। बाबर आजम ने 64, उसके बाद 34 रन किए मोहम्मद हारिस ने, उसके बाद सैम अयूब ने 23 रन किए। और बॉलिंग में फिर के शादाब खान आउटस्टैंडिंग, दो विकेट उसने लिए। उसके बाद फेम अशरफ एक विकेट, फजल हक फरूकी ने एक विकेट लिए, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर। लेकिन जो गलतियाँ थी खास करके इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर के 10 ओवर के बाद बहुत सारी गलतियाँ की हैं। बैटिंग में शॉट सिलेक्शन पोर शॉट सिलेक्शन था और वहाँ पे माइंड गेम नहीं किए फिर के। लेकिन जिस तरह पेशावरजलमी के बॉलरों ने बॉलिंग की है, खास करके उमर जैन, उसके बाद वहाब रियाज, उसके बाद आमिर जमाल ने जिस तरह बॉलिंग की है, उसके बाद सलमान इरशाद ने, फिर के एक ज़बरदस्त स्पेल थे उनके। वहाब रियाज थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर थे लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है। लेकिन फिर भी आई फील के इस तरह उनको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह वो रन्स लीक कर रहे थे। लेकिन एक तरफ कंट्रोल भी कर रहे थे और रन्स लीक भी कर रहे थे। और लेकिन जो यॉर्कर थी आई फील के सलमान इरशाद, उसके बाद आमिर जमाल, आई फील के जिसको ऐसे डोमिनेट किया है। और एक उस वक्त इन्होंने ये स्पेल की जहाँ पे मैच दोनों तरफ जा सकता था। एलेक्स हेल, उसके बाद आजम खान की दो यॉर्करें थी, आई फील के एक ऑन टारगेट थी और प्लान थी। और जिस वजह से दो मेन प्लेयर की विकेट्स लिए, उसके बाद बिल्कुल ही प्रेशर मिडल ऑर्डर पे आ गया। आई फील के मिडल ओवर टेस्ट हुआ है और कोलैप्स हो गए। और वो इसलिए हुआ है कि पेशावरजलमी ने अच्छी बॉलिंग की है और एक आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी थी जिसकी वजह से ये मैच जीती है। और जिस तरह बॉलर को लीड किया है खास करके इन्होंने बाबर आजम ने, और ओवरऑल आई फील के एक ज़बरदस्त मैच था। और एक वो मैच था जहाँ पे दोनों टीमों जीत सकती थी। पेशावरजलमी ओवर द लाइन और सेकंड क्वालिफायर लोअर क्लांस के साथ खेलेंगे आज को, और बैक टू बैक मैचेस खेलना एक टफ होता है लेकिन आई फील के मोमेंटम में, और जिसको ऐसे ये मैच बहुत तगड़ा आएगा और अच्छा मैच रहेगा। क्योंकि जहाँ से इन दोनों से जो भी जीता वो मुल्तान के साथ फाइनल खेलेगा। और लेकिन आई फील के कमाल का एफर्ट था पेशावरजलमी का। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। अमार व्यूज यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें।